जस्टिस फॉर एलिफेंट, एक ऐसी कहानी जो एक हथनी बहुत ही दर्दनाक मौत मरती है, जिसके बाद डॉक्टर जो है अपनी आंखें झुका लेते हैं, वहां पर खड़े लोग सभी जो है उसे माफी मांगते हैं। एक ऐसा किस्सा जिसने पूरी दुनिया को रुला दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उत्तर भारत के केरल प्रांत की, जहां पर हर साल 600 से 700 हाथी हर साल मारा जाता है। ये कहना है मेनका गांधी का। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेनका गांधी, दुनिया भर में जानवरों पर काम करने वाली संस्था फ्रेगो ड्लाइंस होस का कहना है कि यह अमानवीय है और यह घटना इंसानियत को शर्मसार करती है। बॉलीवुड के मशहूर कलाकार अक्षय कुमार ने भी ट्वीट किया और कहा कि आज लग रहा है शायद इंसान मर चुका है। अक्षय कुमार ने तो यहाँ तक लिख दिया कि जो जानवर है शायद उसमें ज्यादा इंसानियत है और जो इंसान है उसमें इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं। मशहूर बिजनेसमैन रतन टाटा का कहना है कि उन सभी अपराधियों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। मामला है उत्तर भारत के केरला प्रांत का। उत्तर भारत के केरला प्रांत में एक हथनी भूखी प्यासी एक गांव में आती है कि कुछ लोग उसको खाने के लिए जरूर कुछ डाल देंगे। और इंसानों ने एक अनानास जो कि पटाखों से भरा हुआ था उसको खिला दिया। थोड़ी देर बाद पटाखे फूट जाते हैं और उस हथनी का बुरा हाल हो जाता है। मगर उस हथनी की इंसानियत देखो कि वह इंसानों को बिना कुछ किए चुपचाप वहां से गुजर जाती है, बहुत दर्द में होती है, उसकी आंखों से पानी लगातार जो है टपक रहा होता है, इसके बावजूद भी वह चुपचाप वहां से जाकर जल समाधि ले लेती है। लगातार 3 दिन भूखी रहने के बाद उसकी मौत हो जाती है। उसको निकाला जाता है, उसको निकाल कर उसका पोस्टमार्टम किया जाता है। जब डॉक्टर उसका पोस्टमार्टम करते हैं तो देखते हैं एक और चीज जो और भी शर्मसार करने वाली थी, उस हथनी के पेट में एक छोटा सा बच्चा। हादसा बहुत दर्दनाक था, हादसा अमानवीय था, डॉक्टरों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। डॉक्टर उस हथनी से माफी मांगते हैं और फैसला करते हैं इस हथनी का संस्कार अब यहां पर ही किया जाएगा। सभी डॉक्टर उस हथनी से माफी मांग रहे हैं। घटना इतनी अमानवीय थी कि सारी दुनिया में लोग उन इंसानों पर थू थू कर रहे हैं जिन्होंने अनानास में भरकर पटाखे उसके मुंह में डाल दिए। हर तरफ एक ही आवाज है कि इस हथनी को इंसाफ मिलना चाहिए, उनको सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए जो जानवरों का ऐसा हाल कर रहे हैं। सो दोस्तों, आपका क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।